नमस्कार धारा जीएस में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप सभी के साथ डिस्कशन करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। ठीक है, क्या दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यार? तो सबसे पहला मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो। कुछ बच्चों का एकदम गुस्सा है मेरे ऊपर कि आपके करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आ रहा है, तो मैं बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा मेरे करंट अफेयर्स के वीडियोस, और दूसरा है हमारा टॉपिक डिस्कशन का धारा जीएस का करंट अफेयर्स का बूस्टर मैगजीन। तो इन दोनों ही विषयों पर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। आप सभी को इस वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर्स के साथ एक समस्या ये रहती है कि करंट अफेयर्स के भयंकर सारे सोर्सेस हैं, और जितने ज्यादा सोर्सेस हैं एक स्टूडेंट उतना ही ज्यादा क्या होने लगता है, कंफ्यूज होने लगता है। तो हमने इस समस्या को समझा है और इस समस्या का समाधान भी हम लेकर आए। पहला समाधान है मेरे करंट अफेयर्स के वीडियोस। मैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स को डील करता हूं, और हर संडे को दोपहर 10 बजे, दोपहर नहीं सुबह, हर संडे को सुबह 10 बजे करंट अफेयर्स के, मतलब छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के वीडियोस मेरे आते हैं। अब आपके मन में आया होगा, सर पिछले 1-1.5 महीने से तो नहीं बना रहे हो। ठीक बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। असल में स्थिति ऐसी है कि मार्च के महीने में मैंने वीडियोस बनाए, लेकिन उसके जस्ट बाद लोकसभा चुनाव का क्या हो गया, घोषणा, और इसके कारण लग गई आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब भाई आचार संहिता लग गई, सरकार कोई नई योजना लेकर नहीं आ रही है, और एग्जाम ओरिएंटेड कोई ऐसा करंट अफेयर्स हो नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, जिसको हमको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना चाहिए। हालांकि एक दो छोटी मोटी चीजें आई हैं जिसको शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने कवर भी किया है। तो बस आपको इंतजार करना है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो जाए खत्म, आचार संहिता खत्म हो जाए, और वापस से कुछ ऐसी घटनाएं होने लगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो तत्काल मेरा वीडियो जो है उस पर आने लगेगा। तो बस आपको संडे 10 बजे देखना है। अगर वीडियो आया मतलब आप समझ जाओ कि घटनाएं हुई हैं। अभी फिलहाल वीडियोस नहीं आएंगे, कब तक, तो एटलीस्ट मान के चलो जब तक आचार संहिता चल रही है तब तक। तो भाई ये तो बात हो गई मेरे करंट अफेयर्स के वीडियोस। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं धारा जीएस के करंट अफेयर्स के बूस्टर मैगजीन के बारे में। देखिए, हम लोगों ने धारा जीएस में छात्र हित में ये डिसाइड किया कि हमको स्टूडेंट्स को पीएससी या व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रिस्प, बहुत शानदार और बहुत एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, और इसी के लिए हमने माध्यम चुना है एक मैगजीन को। ये मैगजीन हमारे ही है, ये मैगजीन आएगी मंथली, नाम इसका रखा है हमने करंट अफेयर्स बूस्टर मैगजीन। इसका उद्देश्य है बिल्कुल क्रिस्प तरीके से आपको डिटेल्ड कंटेंट देना, ताकि आप किसी भी एग्जाम में एम्पावर हो सके करंट अफेयर्स को लेकर। इस करंट अफेयर्स के मैगजीन का अप्रैल 2024 का जो एडिशन है ना, वो मार्केट में आ चुका है। कुछ कॉपीज हमने छपवाई थी जो 2 दिन में बिल्कुल खत्म हो गई। तो हमको ये लगा कि हम कितनी भी कॉपीज छपवा ले, हर स्टूडेंट तक पहुंच पाना बड़ी मुश्किल बात है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम अपने एप्लीकेशन के माध्यम से इस बूस्टर मैगजीन का पीडीएफ आप सभी के लिए फ्री में दे देंगे। मैगजीन को भी, जो हार्ड कॉपी में था, प्रिंटेड था, उसको भी हम फ्री में ही बांट रहे थे, और पीडीएफ को भी हम आपको फ्री में अवेलेबल करा देंगे हमारे एप्लीकेशन पर। समझ में आया? अब ये जो करंट अफेयर्स है या मैगजीन है, इसमें हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स को भी देखेंगे और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी देखेंगे, ताकि पूरे करंट अफेयर्स की एक बहुत प्रॉपर तैयारी हो सके। अब आपके मन में आएगा, सर आप बोल तो रहे हो क्रिस्प रहेगा, क्रिस्प रहेगा, कैसे क्रिस्प रहेगा? तो एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, जैसे हाल ही में महतारी वंदन योजना बहुत ज्यादा क्या रही है, चर्चा में रही है। अब अगर आप इस टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में आने चाहिए। सबसे पहले, ये योजना कब लागू हुई, इसका उद्देश्य क्या है, इसका नोडल विभाग क्या है, कौन सी महिलाएं इसमें पात्र हैं,
और इससे क्या लाभ मिलने वाला है। एटलीस्ट इतने पॉइंट्स आपके दिमाग में आने ही चाहिए। तो करंट अफेयर्स का हमारा जो मैगजीन है, इसको आप देखोगे तो ठीक वैसे ही पॉइंट्स में पूरे के पूरे करंट अफेयर्स को हमने प्रॉपरली क्या किया है, कवर किया है। जैसे ये योजना कब लागू हुई, दूसरी इसका उद्देश्य, जब आप मीन्स दोगे ना, आपको सीधा 30 वर्ड्स में योजनाओं को पूछता है पेपर नंबर 5 में, वहां पर ये उद्देश्य बहुत काम आने वाला है, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा काम आने वाला है सीधा लिखने के लिए। इसके बाद कौन सा विभाग है जो कि इसका नोडल विभाग है, कौन कौन सी महिलाएं इसमें पात्रता रखती हैं, इसके अलावा इसका लाभ क्या है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपके काम के हिसाब से बनी हुई हैं, ताकि एक बार जब इसको आप रेफर करें तत्काल चीजें आपको क्या हो, समझ में आने लगे और आप इसे याद आसानी से कर पाए। इस मैगजीन की एक और खासियत क्या है पता है, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारी ये मंथली मैगजीन 10 से 15 पन्नों की ही हो। इससे होगा ये कि आप बहुत आसानी से इसको क्या कर सकेंगे, महीने में खत्म कर सकेंगे। और पूरे साल भर की बात अगर आप देखोगे तो साल भर में 100 से कितना पन्ना हुआ, 150, तो भाई करंट अफेयर्स के मैगजीन में वैसे भी आपको 100 से 150 पन्ने ही मिलते हैं, हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए। तो बिल्कुल क्रिस्प तरीके से, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से, शानदार कंटेंट के साथ हमारा यह मैगजीन जो है वो रेडी हो चुका है। अप्रैल 2024 का एडिशन आ चुका है। अब मुद्दे की बात यह है कि आप सभी को मिलेगा कैसे। अब आप कहोगे सर हार्ड कॉपी खत्म हो चुकी है आप बोल रहे हो, तो सॉफ्ट कॉपी कैसे मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना धारा जीएस, ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल नंबर से इसमें लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद सीधा आप जाएं फ्री कंटेंट करके सेक्शन है। इस फ्री कंटेंट सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे, आपको एक फोल्डर दिखेगा जिसमें लिखा होगा करंट अफेयर्स बूस्टर। इसके अंदर आपको अप्रैल 2024 का पीडीएफ अपलोडेड मिल जाएगा। आप पीडीएफ को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगले ही महीने इसमें मई का पीडीएफ भी क्या है आ जाने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें चलती रहेंगी। हमारा मैगजीन मंथली है, मंथली मैगजीन आपको फ्री में मिलता रहेगा। दूसरी बात, अगर आप आईफोन वाले हो तो आप कहोगे कि सर हम तो गूगल प्ले स्टोर पे नहीं जा सकते, ऐप स्टोर पे डायरेक्ट धारा जीएस लिखोगे तो शायद हमारा एप्लीकेशन आपको न दिखे। तो आपकी समस्या जो है उसके समाधान के रूप में ये मेरा फोन नंबर रखें। आपको एप्लीकेशन अगर आईफोन पर डाउनलोड करना है तो मुझसे क्या करें, संपर्क कर ले, मैं हेल्प कर दूंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन आईफोन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से जानकारी थी हमारे मैगजीन और मेरे करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए। ऐसे ही किसी और वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।